एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं जयपुर, और जयपुर की एक बहुत ही लग्जूरियस और बढ़िया सी प्रॉपर्टी हम लोग करने वाले हैं एक्सप्लोर। अभी हम एक स्टॉप पर रुके हैं यहाँ पर, और जगह का नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ये सापरा के पास में कोई हाईवे है, वहाँ पर हम लोग रुके हैं। एंड यहाँ पर जगह का नाम नहीं है, एक जगह स्पेशल पराठा लिखा है, दूसरी जगह ए सी रूम्स लिखा है। आई हैव नो क्लू जगह का नाम क्या है, बट इनकेस अगर मुझे पता चलता है तो मैं ऐसे स्क्रीन पे लगा दूंगी। बाकी आई डोंट नो, मैंने अब तक खाना ट्राई नहीं किया है यहाँ पर। मैं पता नहीं खाना ट्राई करूँगी या नहीं करूँगी, क्योंकि जनरली जब भी मैं ऐसे ट्रैवल करते हुए खाना ट्राई करती हूँ तो मेरे को ऐसे मोशन सिकनेस होती है, और मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ, तो आई थिंक आई शुड गो इनसाइड एंड शो यू द फूड। सो लेट्स गो इनसाइड। अभी तक की वीडियो से इट्स कम्प्लीटली क्लियर दैट वी आर एट JW Marriott रिजॉर्ट एंड स्पा इन जयपुर, और ये वीडियो होने वाली है मेरे एक्सपीरियंस के बारे में अबाउट द फूड एंड हॉस्पिटैलिटी एट दिस प्लेस। और मैं ये वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ विद माय लंच, जो कि मैंने किया था एट दिस प्लेस कॉल्ड सुख महल, जो कि रेस्टोरेंट है JW Marriott के अंदर ही। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी राजस्थानी प्रेपरेशन ऑर्डर करी थी, जैसे कि मांस के सुले, जोधपुरी चिकन एंड ट्रेडिशनल लाल मांस। सो जो सबसे पहली डिश हम ट्राई करने वाले हैं उसका नाम है मांस के शूले। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी ये डिश इससे पहले नहीं खाई। द डिश लुक्स वेरी सिमिलर टू फिश, और मुझे ये बताया गया दैट दिस इज़ अ हैमर्ड लैम, यानी कि लैम को अच्छे से एक हैमर लेके उसको फ्लैटन किया गया है, उसको मैरिनेट किया गया है, और फिर उसको पकाया गया है तंदूर के अंदर। थोड़ी सी चटनी, थोड़े से प्याज, मतलब प्याज तो नहीं लगाया मैंने, वैसे थोड़ी सी चटनी लगा के इसको खाते हैं। ठीक है, लैम जनरली हर जगह मैं जो खाती हूँ, काफ़ी जगह ऐसी प्रॉब्लम आती है कि लैम अंडर कुक्ड हो जाता है और लैम उतना बढ़िया नहीं लगता, बट इट्स सो सॉफ्ट, लाइक इट्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट। बहुत अच्छी तरह से इसको पकाया गया है, मैरिनेशन एकदम बढ़िया है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो मैंने फर्स्ट टाइम खाया है, डेफिनेटली ये मेरा फेवरेट बन गया है। एंड जो सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर करने वाली हूँ ट्राई, वो है लाल मांस। नाउ सिंस लाल मांस में मथानियाँ चिलीज यूज़ होती हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्वीटनेस थी उन चिलीज़ की, और इसके साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पाइसेस का फ्रेगरेंस था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज दैट द मटन वॉज कुक्ड रियली रियली वेल। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ जोधपुरी चिकन की, तो दिस वन वॉज अ वेरी माइल्ड प्रिपरेशन एंड येट वेरी वेरी रिच प्रिपरेशन। आई काइंड ऑफ लाइक दैट। सो राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर द टूर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अभी हमको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे रूम्स हैं, कैसा आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग। सो आई एम गोना शो यू एवरीथिंग, सो स्टे ट्यून। नौ जयपुर में मैं बहुत बार आ चुकी हूँ और बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ एंड होटल्स में रुक चुकी हूँ, लेकिन JW Marriott इज़ सो फार माई फेवरेट आउट ऑफ ऑल। यहाँ पर सब कुछ है, फ्रॉम द व्यू ऑफ अरावली हिल्स टू लश ग्रीनरी, एंड द वाइट कलर बिल्डिंग रिमाइंड यू ऑफ ताजमहल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का आर्किटेक्चर इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम मुगल आर्किटेक्चर, जिस तरह से ये पूरे के पूरे वॉल्स पेंटेड हैं, या फिर यहाँ पर जिस तरह के डोर्स हैं, इसके साथ साथ जिस तरह से पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिज़ाइन करी गई है विद द जाली पैटर्न, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ताजमहल। नौ मुगल आर्किटेक्चर के साथ साथ आपको यहाँ पर राजस्थानी आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा थ्रू दिस प्लेस कॉल्ड हवा महल। यस, यहाँ पर टेरेस है जिसको हवा महल कहा जाता है। नाउ इसको हवा महल कहने का एक रीज़न है, जिस तरह हवा महल बनाया गया था ताकि रॉयल वुमेन वहाँ की खिड़कियों से पूरे के पूरे जयपुर का नज़ारा देख सके, उसी तरह अगर आप यहाँ की विंडोज से देखोगे तो आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी नज़र आएगी। सो इफ़ यू आर कमिंग टू मैरियट, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो टू हवा महल इन द प्रॉपर्टी इट्सेल्फ, क्योंकि व्यू फ्रॉम दिस प्लेस इज टू डाई फॉर। So now I'm all ready and I'm leaving for my dinner at this place called Mohan Mahal in JW Marriott Jaipur. और ये जो जगह है, it is amongst the top 52 restaurants and bar by Marriott Bonvoy in the entire world. यानी कि this is one of the most luxurious and awesome restaurant in the entire world. So I'm really looking forward to the meal that I'm gonna have at Mohan Mahal, and मैं आपको वहाँ का सारा action दिखाने वाली हूँ। तो let's go and have our dinner. तो
मोहन महल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट दैट आई हैव डाइंड इन. और ये जो रेस्टोरेंट है इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम शीश महल ऑफ आमेर फोर्ट ऑफ जयपुर. नाउ यहाँ पर किसी भी तरह का आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर जलाए जाते हैं रोज 100 कैंडल्स. और इन्हीं 100 कैंडल्स की लाइट यहाँ पर लगे 3.5 लाख मिरर्स के साथ रिफ्लेक्ट होके पूरे के पूरे मोहन महल को लाइट प्रोवाइड करती हैं. एंड दैट्स द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन द एंटायर रेस्टोरेंट. ना मैं सच कहूँ तो दिस एंटायर कैंडल लाइट एम्बियंस वॉज एक्सट्रीमली रोमांटिक. और पीछे जो लाइव म्यूजिक प्ले हो रहा था दैट वॉज एडिंग टू द वाइब ऑफ दिस प्लेस. लेकिन मेरी नज़र थी यहाँ पर यहाँ की 4-course मील पर. ना मैंने यहाँ पर ली थी नॉन वेजिटेरियन मील, और इस मील को स्टार्ट किया गया था विद एन अमूज बूश, जिसमें सर्व किया गया था पापड़ की टोकरी, और फिर मुझे सर्व किया गया था हड्डियों का कस विच बेसिकली वॉज मटन सूप. एंड दोनों प्रेपरेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी. ना इसके बाद में 3 तरह के एपेटाइजर सर्व करे गए थे, एंड मेरा फेवरेट वॉज मुर्गे एंड बाजरे का सीख कबाब. बेसिकली चिकन सीख कबाब को रोल किया गया था इन बाजरा एंड फिर उसको अच्छे से पकाया गया था इन तंदूर. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसी प्रिपरेशन अपनी लाइफ में कभी नहीं खाई एंड इट वॉज टू डाई फॉर. देन एपेटाइजर्स के बाद में सर्व किया गया था मेन कोर्स, जिसमें 9 तरीके की वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेज थी. एंड इसके साथ साथ कुछ 3 या 4 तरह के ब्रेड्स थे. ना सबके बारे में बताना तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, लेकिन मैं अपने फेवरेट्स के बारे में बताऊं तो मेरे फेवरेट्स हैं यहाँ पे कीमा बाटी. इसके साथ साथ आई एब्सोल्युटली लव द शराबी मास, और खोबा रोटी एंड बिना पानी की रोटी विच बेसिकली वाज मेड विद आलमंड फ्लावर वाज माय एब्सोल्यूट फेवरेट. सो एज फार एज अ डिजर्ट इज कंसर्न, दिस इज मूंग दाल एंड बादाम हलवा, दिस इज मावा कचौड़ी एज यू कैन सी, और यहाँ पर है मिल्क केक. तो ये भी अभी ट्राई करते हैं और इसमें से बताते हैं कि सबसे अच्छी डिजर्ट कौन सी है. सो अगर डिज़र्ट की बात करी जाए तो आई एब्सोल्युटली लव द मावा कचौड़ी. इट्स अ वेरी वेरी गुड. वैसे रावत पे भी मिलती है मावा कचौड़ी, फिर यू वॉन्ट टू ट्राई द बजट फ्रेंडली मावा कचौड़ी. और इसके साथ साथ जो बादाम का हलवा था मुझे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. मिल्क केक, नॉर्मल मिल्क केक जैसे मार्केट में अवेलेबल होते हैं बिल्कुल वैसे. सो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज रियली रियली गुड. आई फील दैट दिस प्लेस इज एक्सट्रीमली रोमांटिक, और बिल्कुल यहाँ पर आके आपको रॉयल्टी टाइप फील होता है बिकॉज ये लगता भी एकदम महल जैसा ही है. और अगर आप आ रहे हो यहाँ पर तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू कम विद योर लव वन और योर बेटर हाफ और योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है टू इन्जॉय योर क्वालिटी टाइम विद योर लव वन. इसके साथ साथ अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ अ 4-course मील इज फॉर 3,500 rupees पर पर्सन. इसके ऊपर टैक्सेस भी इंक्लूडेड है. ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को ये महंगा लग सकता है, काफ़ी लोगों को लग सकता है, काफ़ी को ये अफोर्डेबल भी लग सकता है, बट आई पर्सनली फील कि जिस तरह का एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड किया जाता है वो आई थिंक कहीं भी आज तक मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाई हूँ. तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. थम्स अप फ्रॉम माय साइड. हाय एवरीवन, एंड इट्स द डे 2 एट JW मैरियट जयपुर. सो राइट नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई ब्रेकफास्ट. यहाँ पर पूरा इलेबोरेटेड ब्रेकफास्ट बूफे है और मैं वही ट्राई करने वाली हूँ अभी. जनरली लोग बहुत कैजुअली और बहुत कैजुअल कपड़ों में ब्रेकफास्ट करते हैं. मैं इतना फैंसी शैंसी कपड़ों में इसलिए ब्रेकफास्ट कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मेरे को शूट करना है. और दूसरी चीज़ मुझे ये भी याद आई है कि मैंने अब तक आप लोगों को अपना रूम नहीं दिखाया है, तो मैं अपना रूम भी आपको दिखाने वाली हूँ. मेरा टेरेस वाला है, सब कुछ मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ. पहले हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं. मैंने काफ़ी सारी जगह पे बूफे ट्राई करा हुआ है और बहुत सारी वीडियोस भी बूफे के ऊपर बनाई हुई हैं, लेकिन मैंने इतना बड़ा बूफे अपनी पूरी की पूरी लाइफ में कभी भी नहीं देखा. नाउ अगर मैं पूरे बूफे की बात करूं तो मैंने स्टार्ट किया था ये वाले सेक्शन पे जहां पे बहुत सारा बेक्ड आइटम्स अवेलेबल थी, जैसे कि डैनिश पेस्ट्री, क्रूसॉ, कपकेक्स, डोनट्स एक्सेट्रा. दो डोनट्स बेक नहीं होते बट डोनट्स भी अवेलेबल थे. फर्दर अगर आप इसके भी आगे जाते हो तो यहाँ पर वैरायटी है बहुत सारी कर्ड्स की, यानी कि दही की, और यहाँ पर प्रोबायोटिक्स भी अवेलेबल थे विच इज़ वेरी वेरी कूल. और अगर आप और आगे जाते हो तो यहाँ पर दिख जाएंगी आपको मिल्क की बहुत सारी वैरायटी, डेरी एंड नॉन डेरी दोनों ऑप्शंस थे. आलमंड मिल्क था, स्किम मिल्क था, फुल क्रीम मिल्क था, मतलब यू थिंक अबाउट इट एंड दे हैव इट. और इसके साथ अगर आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर कोल्ड कॉफीज भी मिल जाएंगी. इफ़ यू मूव फर्दर तो यहाँ पर कुछ 10 या 12 टाइप्स के सीरियल्स थे, यानी कि सीरियल्स की भी बहुत बड़ी वैरायटी थी. और ना ही सिर्फ सीरियल्स, इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे अकम्पनीमेंट्स थे जो आप अपने सीरियल्स के अंदर डाल सकते हो, जैसे कि नट्स, रेजिन,
किचन्स एक्सेट्रा, एंड वो भी बहुत सारे थे। फर्दर अगर आप इस एरिया के ऑपोजिट वाले एरिया के अंदर जाते हो तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैरायटी है ऑफ फ्रूट्स, जहाँ पर आपके नॉर्मल फ्रूट्स भी मिल जाएंगे जैसे कि बनाना, पपाया, वाटरमेलन, और इसके साथ साथ कुछ फैंसी फैंसी फ्रूट्स भी मिल जाएंगे जैसे ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज एक्सेट्रा। और इसके भी थोड़ा सा आगे जाके आपको फ्रूट जूसेस की भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी, कुछ 6 या 7 तरह के यहाँ पर जूसेस भी अवेलेबल थे। If you are a health freak, you will definitely love this buffet, क्योंकि ना सिर्फ fruits, यहाँ पर बहुत ही बड़ा section है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे different different तरह के vegetables, salads, sprouts, etc. जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छे लग सकते हैं जिनको healthy खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी variety है। फर्दर अगर मैं breads की बात करूँ तो उसकी भी बहुत सारी variety थी यहाँ पर। normal white bread available थी, brown bread, multigrain bread, French bread, in fact gluten free options भी available थे। और butter की भी बात करूँ तो different different तरह के बटर थे जैसे चिली गार्लिक बटर एटसेट्रा। एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड अकंपनीमेंट्स व्हिच वाज अवेलेबल इन दिस बूफे। आपको यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी मिल जाएगी ऑफ टिप्स, जो कि अलग अलग तरह की टिप्स हैं, अलग अलग तरह की चीज़ हैं, इनफैक्ट कैंडीड फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा है, विच वॉज माइंड ब्लोइंग। नो ये दोनों सेक्शन खत्म करने के बाद जब मैं आके गई तो मैंने और भी ज़्यादा ऑप्शंस देखे, लाइक वेज दलिया, मालपुआ, कढ़ी, मटर, नमकीन, मसाला पनीर, आलू पूड़ी एक्सेट्रा। और ये वाला सेक्शन भी खत्म करके जब मैं एक काउंटर पे पहुंची, दैट वाज अ नॉन वेजिटेरियन काउंटर जहाँ पे आपके ऑमलेट्स प्रिपेयर हो रहे थे। आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑमलेट्स ले सकते थे, और यहाँ पर लाल मांस ऑमलेट भी अवेलेबल था, विच अपेरेंटली इज देयर स्पेशलिटी। और अलग अलग तरीके की चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पे, जैसे कि सॉसेज, बेकन एक्सेट्रा, जो कि आप अपने ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हो। फर्दर एक पूरा साउथ इंडियन सेक्शन है जहाँ पर आपको सब साउथ इंडियन डेलिकेसीज मिल जाएंगी, लाइक सांबर, वड़ा, इडली एक्सेट्रा। और एक लाइव काउंटर है जिसमें आप डोसा प्रिपेयर करा सकते हो, जो भी वैरायटी का डोसा आपको पसंद है या जो भी स्टफिंग आपको पसंद है या आपके टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वैसा बनाकर दे देते हैं। नाउ इतना कुछ देखने के बाद में मुझे लगा था शायद बूफे खत्म हो गया है, लेकिन जब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बाहर गई तो आई रियलाइज दैट बूफे अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे सामने यहाँ पर जलेबी फ्राई हो रही थी, और इससे पहले मैंने कभी भी किसी ब्रेकफास्ट बूफे में जलेबी और रबड़ी का ऑप्शन नहीं देखा था। फर्दर जब आप थोड़ी सी आगे जाते हो तो यहाँ पर चाय बन रही थी जिसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो, और इसके साथ भी काफी सारे ऑप्शन थे लाइक रस, फैन, जो कि जनरली चाय के साथ लिए जाते हैं। इसके भी जब आप थोड़ा आगे जाते हो तो यहाँ पर वॉफल्स एंड पैनकेक्स का भी एक पूरा काउंटर था जहाँ से आप वॉफल्स और पैनकेक्स फ्रेश बनवा सकते हो सुबह सुबह, अगर आपको ब्रेकफास्ट में वो खाना पसंद है। एंड अगर आप इसके भी आगे जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शंस थे पराठास के, जहाँ पे आप गरम गरम पराठे बनवा सकते हो, और स्टफिंग जैसी भी आपको पसंद है वो आप इनको बता सकते हो, एकदम कस्टमाइज पराठा आपके लिए बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर अमृतसरी कुलचे भी बन रहे थे, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं तो पंजाबी हूँ, मुझे अमृतसरी कुलचे खाने बहुत पसंद है, तो मैंने अपने ब्रेकफास्ट में अमृतसरी कुलचे लिए थे बिकॉज दे आर टू डाई फॉर। So after trying the entire breakfast, I can say this is one of the best breakfast buffet that I have ever tried. There was so much variety. The food was to die for. अगर आप यहाँ पर आ रहे हो और आप यहाँ पर आकर breakfast buffet try करना चाहते हो तो यहाँ पर definitely आप एक लाल मांस omelette ज़रूर try करना, वो इनकी speciality है। Secondly, आपको यहाँ पर अमृतसरी कुलचा ज़रूर try करना चाहिए, because अमृतसरी कुलचा मेरे को अमृतसर में जो मैंने खाया था उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा, तो अमृतसरी कुलचा was to die for. It was very very good. बाकी there are so many options, South Indian options है, नॉर्थ इंडियन ऑप्शंस हैं, फ्रूट्स हैं, हेल्दी ऑप्शन भी है, मतलब सब कुछ है, हर इंसान के लिए सब कुछ आपको मिल जाएगा, हर टेस्ट और पैलेट के लिए सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो अपने पैकेज में ब्रेकफास्ट जरूर से इंक्लूड कराना, बिकॉज यू कांट स्किप ऑन दिस, इट इज अ मस्ट हैव एट दिस प्लेस। So as I told you guys that I will be showing my room to you, तो आओ चलो रूम टूर देती हूँ मैं आपको, कम ऑल इन। So as you enter the room, it's a terrace villa. यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के विलाज हैं, मैं आपको भी बताऊंगी। So यहाँ पर ये एक लिविंग स्पेस है, काफी बड़ा लिविंग स्पेस है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा लिविंग स्पेस हो, अच्छा खासा एक सोफा टाइप है, एंड उसके साथ में ये जो है ये मेरा लंच पड़ा हुआ है, सो इसके साथ में मुझे शूट भी करना है, सो ये मेरा लंच है। इसके साथ में एक लैम्प है विच इज लुकिंग वेरी प्रिटी, एंड यहाँ पर टीवी है, अच्छा खासा बड़ा साइज का टीवी है। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम जहाँ पर सब कुछ खाने पीने का होता है, यहाँ पे कॉफी है, टी है, ग्रीन टी है, क्रीमर एक्सेट्रा, केटल, ये सब चीजें। मेन हमारा बेडरूम एरिया है, सो ये जो बेडरूम एरिया है इसका जो बेड है ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है,
It's a very very comfortable bed. रात को मैं यहाँ पे सोई थी और पता भी नहीं चला था, तो मैं ऐसे ही सो जाऊँ. It's so luxurious and so comfortable. So further, अगर आप इस एरिया में आओगे तो ये हमारा वॉशरूम है, और अगर आप आगे ही जाओगे तो ये हमारा शावर एरिया है. वॉशरूम मुझे कभी दिखाना पसंद नहीं होता है, रूम में अच्छा नहीं लगता वॉशरूम दिखाना, लेकिन शावर एरिया में एक बाथटब है. इट्स अ परफेक्ट साइज, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है बहुत ज्यादा छोटा हुआ. और उसके साथ साथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एमिनिटीज आर अवेलेबल, शावर जेल है, शैम्पू कंडीशनर सब कुछ अवेलेबल है. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी कम्फी वॉशरूम टू. ना अगर वॉशरूम से आप सामने सामने जाओगे तो आपको ये एरिया दिखेगा विच इज़ अ ह्यूज कबर्ड सॉर्ट ऑफ एरिया. यहाँ पर मैं दिखाना नहीं चाहती थी बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा कूड़ा मचाया हुआ है, बट ओवरऑल स्पेशियस बहुत ज़्यादा है, इजीली आप सामान रख सकते हो, लॉकर फैसिलिटी भी है हर जगह की तरह, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. ना देयर आर वेरियस सॉर्ट्स ऑफ विलाज विच आर अवेलेबल इन दिस प्रॉपर्टी, चाहे वो पूल विला हो, यानी कि आपके विला के साथ में एक प्राइवेट पूल होगा, कोर्टयार्ड विला होगा. यहाँ पर जो मैंने चूज किया था वो है टेरेस विला, जिसके साथ साथ एक प्राइवेट बैल्कनी है, और वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. इट्स अ वेरी गुड बैल्कनी. सो दिस इज हाउ द बैल्कनी लुक्स लाइक. यहाँ पर आपको एक टेबल और चेयर मिल जाएगी, अगर थोड़ा सनी है तो आप ये अम्ब्रेला भी खोल सकते हो. और इसके सामने से आपको पूरा ये अरावली हिल्स का व्यू मिल जाएगा. सो अगर वेदर अच्छा है यू कैन एक्चुअली सिट हियर एंड एंजॉय योर टी और कॉफी, बिकॉज दिस एरिया इज माई फेवरेट इन द एंटायर विला. So that's the video from my side. I really hope कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह के और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना. और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आपने ये पूरी की पूरी वीडियो देखी है देन यू डिज़र्व दीज ब्यूटिफुल मेलेडीज़.